इनोवेशन करें। हमारे देश की रिक्वायरमेंट के अनुसार हम उसको डेवलप करें। इस पर हम जितना बल देते हैं उतने हम समय के साथ चल सकते हैं। कालबाह्य चीजें, आउट ऑफ डेट चीजें कभी भी काम नहीं आ सकती है। वाजपेयी जी की जब सरकार थी तब इस क्षेत्र में काफी इनिशिएटिव लिए गए। पहली बार देश में अलग आईटी मिनिस्ट्री बनी, पहली बार एक्ट बने, टास्क फोर्स की रचना हुई और एक अच्छा सा इनिशिएटिव लेकर के हम 20वीं सदी के आखिर में चल पड़े थे। लेकिन दुर्भाग्य से वर्तमान एक दशक में और खास करके स्कैम के कारण, पर्टिकुलरली 2G स्कैम जो बहुत पॉपुलर है, लोगों की नजर में यह स्कैम रुपयों पैसों के साथ संबंधित विषय होगा। मैं उसको उस तराजू से नहीं तोलता हूं। मैं मानता हूं कि इस घटना के कारण भारत जिस तेज गति से साइबर वर्ल्ड में अपनी जगह बना रहा था, देश की युवा पीढ़ी के सपनों के अनुकूल जो व्यवस्थाएं विकसित हो रही थी उसको एक गंभीर चोट पहुंची। और यह नुकसान उस स्कैम रुपये पैसों से बहुत ज्यादा है। उससे उभर करके देश को कैसे बाहर लाया जाए, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। इस युग में सबसे तेज विकास जिस इंडस्ट्री का होना चाहिए उसी को सबसे बड़ा धक्का लग गया। आज सब चीजों को ड्राइविंग फोर्स के रूप में ICT वर्क कर रहा है। अगर उसी को इस प्रकार का धक्का लग जाए तो क्या स्थिति बन सकते हैं, हम अंदाज कर सकते हैं। आज करंट अकाउंट डेफिसिट की चर्चा हो रही है और वित्त मंत्री सोने पर हाथ लगाते हैं क्यों करंट अकाउंट डेफिसिट को मिटवित करने के लिए, और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि गोल्ड स्मगलिंग की ओर फिर से एक बार समाचार आने लगे हैं। जब 60s-70s में गोल्ड स्मगलिंग एक बहुत बड़ा कारोबार था और उस गोल्ड स्मगलिंग के कारण हिंदुस्तान में अंडरवर्ल्ड का जन्म हुआ और उस अंडरवर्ल्ड का साया आज भी देश को परेशान कर रहा है, फिर एक बार करंट अकाउंट डेफिसिट को मिटवित करने के लिए वही सोना नजर में आया। अगर हमने हमारे इस इलेक्ट्रिक गुड़ की तरफ देखा होता, इतनी बड़ी मात्रा में 65% ऑफ इंपोर्ट टोटल रिक्वायरमेंट का, क्या हमारे देश के लोग ये भी नहीं बना सकते? बना सकते, कुछ कठिन नहीं है। और इसकी रिक्वायरमेंट इतनी है कि इनोवेशन भी संभव है और उसका स्केल भी इतना बड़ा है, इतनी बड़ी मात्रा में इसकी आवश्यकता है। जिस तेजी से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने मानव जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाया है और कोई इंसान कहीं रुकने वाला नहीं है, वो इस अपने विधा को लिए जहां से भी उसको हार्डवेयर मिलेगा वो उठाएगा, क्योंकि उसको दुनिया के साथ दौड़ना है। और इसलिए इस क्षेत्र का विकास करना है तो हमारी पहली प्रायोरिटी
और मैं मानता हूं जिसके कारण देश की इकोनॉमी को भी बड़ा फायदा हो सकता है। किस प्रकार के इंसेंटिव्स हो, किस प्रकार के प्रमोशनल एक्टिविटी हो, हमारे देश के जो नौजवान विदेशों में बाहर काम कर रहे हैं उनकी बुद्धि शक्ति सामर्थ्य को हम कैसे फिर से वापस ला के काम में लगाएं, आज जो हमारे नौजवान इस क्षेत्र में प्रारंभ कर रहे हैं उनको कैसे आगे बढ़ाया जाए। अभी मुझे प्रदीप जी बता रहे थे वो पांच नौजवानों की बात जो अजय जी ने बोली, यहाँ है वो नौजवान है नहीं है, हमारी तरफ से उनको सैल्यूट कर देना भैया। ये यही तो है ताकत देश की, कोई तो उनको रिकग्नाइज करे। ये हम जितना अवसर देंगे उतना अवसर स्थितियों को बदलने में काम आएगा। तीसरी सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट जो है वो है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। आईटी प्रोफेशन में अप टू द मार्क ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की दिशा में आज हमारी जितनी इंस्टीट्यूशंस उसकी संख्या बहुत कम है। जॉब के लिए इतनी बड़ी संभावनाएं पड़ी है और आज दुनिया एक नए युद्ध की ओर चल पड़ी है, जॉब वॉर, और चाइना ने तो उसका बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है और वो उसकी हर चीज का पैरामीटर यही है कि हम कितनी जॉब छीन सकते हैं। भारत जैसा देश जिसको 65% 35 से नीचे पॉपुलेशन हो उसके लिए ये डेमोग्राफिक डिविडेंड, इतने नौजवान, उनके लिए स्किल डेवलपमेंट ये समय की मांग है। और हम कितनी तेजी से ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पर बल देते हैं और शायद एक दिन ऐसा जैसा हेल्थ सेक्टर जो ऐसा है कि जिसमें इन दिनों 60% से ज़्यादा करीब करीब महिलाएं उस सेक्टर में अपना कंट्रीब्यूट कर रही हैं। प्राइमरी क्षेत्र का टीचिंग प्रोफेशन शायद 75% वीमेन कंट्रीब्यूशन है और ये टेलीकॉम एक ऐसा क्षेत्र है शायद आने वाले दिनों में 50% से ज़्यादा वीमेन एक कॉटेज इंडस्ट्री के रूप में इसमें कंट्रीब्यूट कर सकती है। इतनी बड़ी संभावनाएं पड़ी हैं क्योंकि ज़्यादातर तो आजकल हम क्या कर रहे हैं, बाहर से ला करके असेंबल करते हैं, तो हम यहाँ पर बना करके भी असेंबल छोटे छोटे घरों के अंदर महिलाओं के पास करवा के कर सकते हैं। एक बहुत बड़ा इंक्लूसिव ग्रोथ का जो मॉडल की चर्चा होती है उसके लिए एक उत्तम व्यवस्था उससे हम विकसित कर सकते हैं, बहुत लोगों को हम रोजगार दे सकते हैं और ग्रोथ में जीडीपी में कंट्रीब्यूशन जैसे एक एग्रीकल्चर सेक्टर का माना जाता था, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का माना जाता था, सर्विस सेक्टर का माना जाता था, उसी प्रकार से एक जगह बना ली है टेलीकॉम सेक्टर ने, बहुत बड़ी जगह बना ली है। उसके सामर्थ्य को देखते हुए हम कैसे आगे बढ़े। हमारे यहाँ रूरल टेलीडेंसिटी और मुझे बताया गया कि कोई 28,000 करोड़ रुपीज 28,000 करोड़ रुपीज भारत सरकार के खजाने में ऐसे ही पड़े हैं और वो आप लोगों से शायद टैक्सेशन से लिए गए पैसे। और उन पैसों का कोई उपयोग नहीं हुआ है। अगर उतने पैसों से रूरल टेलीडेंसिटी को और बल मिला होता तो हो सकता है कि इसमें जो कभी कभी स्टैग्नेंसी फील होती है वो ना होती, हम और तेजी से आगे बढ़ सकते थे। और मुझे गर्व है कि गुजरात इज ओनली स्टेट कि जिसके 18,000 गांव में वी हैव ए ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी और इसके कारण जीवन बदल जाता है जी। इस क्षेत्र को मैं एक और नजरिए से भी देखता हूं। अंग्रेजों के जमाने में हमारे देश में रेलवे का नेटवर्क बना, इंफ्रास्ट्रक्चर बना, और ये मानना होगा कि उस रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण इंटीग्रेशन का एक बहुत बड़ा काम हुआ था। ट्रांसपोर्टेशन वगैरह हुआ होगा होगा लेकिन ये एक बहुत बड़ा काम हुआ था। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने
स्वर्णिम चतुष्करो चार बड़े हाईवेज का एक सपना देखा, उसको लागू किया। उसने देश को गति देने का काम किया। और मैं मानता हूं कि आईटी नेटवर्क, आईसीटी नेटवर्क, ये देश को उठाने की ताकत रखता है। कोई जोड़ने की ताकत रखता है, कोई आगे बढ़ाने की ताकत रखता है, तो देश को उठाने की ताकत रखता है। और उसको उस रूप में कैसे देखा जाए। इतना ही नहीं, भारत जैसे देश में इंफॉर्मेशन हाईवे, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, देश में अगर हम वन नेशन वन विजन वन मिशन इस मिजाज से खड़ा करना चाहते हैं, तो इंफॉर्मेशन हाईवे एक उत्तम से उत्तम टूल के रूप में काम कर सकता है, एक नया विजन मिल सकता है। वन नेशन वन विजन वन मिशन, 125 करोड़ देशवासियों को इंफॉर्मेशन हाईवे के माध्यम से जोड़ करके अगर कोई ले चले, मैं नहीं मानता कि दुनिया की ताकत है जो इस देश को आगे बढ़ने से रोक सकती है। ये ताकत है। मानव जात कैसे बदलाव आ रहा है। पहले जहां नदी होती थी वहां शहर बसते थे, पानी होता था। ज्यादातर संस्कृतियां समाज व्यवस्थाएं नदी के किनारे पर बसी है। फिर समय बदला तो जहां हाईवेज होते थे, इंफ्रास्ट्रक्चर होता था, वहीं पर शहर बसने लगे। मैं देख रहा हूं आने वाले दिनों में जहां ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क होगा वहां शहर बसने वाले हैं। जीवन पूरी तरह बदलता चला जा रहा है। अगर इन चीजों पर हम समझ करके सोच करके अपनी नीतियां निर्धारित करें, उसका प्रमोशन करें, उसके लिए आवश्यक कानूनी व्यवस्थाएं करें, उसको प्रोटेक्शन की व्यवस्था करें, फाइनेंशियल मैनेजमेंट करें, हम बहुत कुछ तेज गति से कर सकते हैं। दुनिया में इस बात का कोई इनकार नहीं कर सकता कि जो समाज जीवन में परिवर्तन 100 साल लगते थे आने में, एक पीढ़ी चली जाती थी, एक युग चला जाता था। आईटी रिवॉल्यूशन के बाद वो काम 100 साल में जो काम होते थे आज इस रिवॉल्यूशन के 100 घंटे में बदलाव आ रहा है। कोई स्केल तो सोचिए आप। अगर हम उसके साथ नहीं होंगे तो दुनिया बदलती जाएगी। हमको फिर कोई पूछेगा क्या आपका वही देश है जहां साफ सफेरे रहते हैं। और उस अर्थ में मैं मानता हूं, इसके महात्म्य को मैं समझता हूं, उसकी आवश्यकताओं पर इनोवेशन भी उतना ही महत्वपूर्ण है। हमने गुजरात में, मैं अभी ऊपर सब कुछ मित्रों से बता रहा था, हमने एक वर्ल्ड क्लास इंक्यूबेशन सेंटर डेवलप किया है, आई क्रिएट नामी इंस्टीट्यूट शुरू किया है। नारायण मूर्ति जी को मैंने रिक्वेस्ट की थी, आप चेयरमैन बनिए, उन्होंने स्वीकार किया, वो काम कर रहे हैं उसको। हमारे देश के ऐसे नौजवान, जैसे उन जिन 5 नौजवानों ने उनकी बात कही, उनके पास अगर आइडियाज हो, टैलेंट हो, झील हो, कुछ करने का इरादा हो, अगर उनको अगर हम प्रॉपर एनवायरमेंट सपोर्टिंग सिस्टम खड़ी कर दें तो मिरेकल कर सकते हैं। और हम हमारी युवा पीढ़ी पर भरोसा रख करके हमारी यूथ को इस टैलेंट के साथ जोड़ करके आर्थिक विकास की दुनिया भी इसके साथ जुड़ी हुई है। जो भी आर्थिक विकास के मॉडल